साउथ इंडस्ट्री में एक से एक खूबसूरत अभिनेत्रियां मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्ट के साथ अपने शानदार लुक के जरिए फैंस को दीवाना बनाया हुआ है। साउथ एक्ट्रेस खूबसूरत के मामले में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस को भी मार देती हैं। वीडियो में आपको साउथ की उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जो शादीशुदा ही नहीं बल्कि माँ भी बन चुकी हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक जरूर बंधे रहिए। त्रिया सारन शिवाजी द बॉस और दृश्यम जैसी फिल्मों में काम करके परिसत हुई अभिनेत्री श्रिया सारन साउथ की खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। श्रिया ने 2018 में एंड्रयू कॉसी से भारतीय परंपरा के अनुसार शादी की। शादी के 2 साल बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसकी जानकारी उन्होंने फैंस के साथ तकरीबन 1 साल बाद शेयर की। ज्योतिका साउथ इंडस्ट्री में लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली अभिनेत्री ज्योतिका तमिल सिनेमा की जानी मानी अभिनेता सुरैया की पत्नी है। आपको बता दें कि ज्योतिका भी 2 बच्चों की मां बन चुकी हैं जिसमें 1 लड़का और 1 लड़की शामिल है। राधिका पंडित टीवी इंडस्ट्री से फिल्मों तक का सफर तय कर चुकी अभिनेत्री राधिका पंडित के जी एफ स्टार यश की पत्नी है। इस कपल के 2 बच्चे हैं, 1 लड़का और 1 लड़की, जिसके साथ ही अक्सर प्यारी प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। निशा अग्रवाल तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करके पॉपुलर हुई निशा अग्रवाल ने साल 2013 में शादी की जिसके बाद वो 1 बच्चे की मां बन चुकी हैं। उनकी बहन काजल अग्रवाल भी प्रेग्नेंट है और जल्द ही मां बनने की खुशखबरी शेयर करने वाली है। ऐश्वर्या रजनीकांत साउथ सिनेमा की अभिनेत्री और गायिका है। हाल ही में उन्होंने अपने पति धनु से डिवोर्स ले लिया है जिसकी खबर जल्द ही सुर्खियों में बनी हुई थी, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। मंजू वॉरियर तेलुगु सिनेमा के मोस्ट ओवर स्टाइल अभिनेत्री मंजू वॉरियर की उम्र को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक बेटे के माँ भी हैं जिनकी उम्र 22 बरस है। दोस्तों ये थी साउथ की वो अभिनेत्रियाँ जो असल जिंदगी में माँ बन चुकी हैं। दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे भी दिलचस्प वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।